हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। अभी रात का बज रहा है एक एक से भी ज़्यादा हो रहा है, 1:20 हो रहा है। और इस समय ना मेरे घर में एक क्रेविंग मची हुई है कि किसी को कॉफ़ी पीनी है और किसी को केक खाना है। अभी इन लोगों ने मुंह छुपा रखे हैं अपने, बट अभी मुझे उठाया गया रात में कि मुझे केक खाना है या फिर कॉफ़ी पीनी है। और इतनी सर्दी है बाहर, सर्दी का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा, फॉग ज़्यादा हो रहा है। बट चलो चलते हैं। और ये ब्लॉग बनाने का रीज़न ये था कि मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी चलते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लोगों को देख लो, हैं जाना है कॉफ़ी पीने। देख रहे हो ठंड कितनी ज़्यादा है? देखो गाइस, रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों के चक्कर में निकल तो आए हम लोग, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। दोस्तों यार, कॉफ़ी पीने निकले थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बट कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बेबी भी साथ में है तो थोड़ा सा रिस्क लग रहा है अब हम लोगों को। तो हम लोग तो गाड़ी ले रहे हैं यू टर्न वापस, और यू टर्न थोड़ा दूर पे है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे रात में कतई ना निकले। मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैं आज निकल आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्दी के टाइम में कोहरा बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। कॉफ़ी फिर किसी दिन पी लेंगे यार। अब पीना है कॉफ़ी? फॉग की वजह से तो वापस आना पड़ा, बट रास्ते में केक मिल गया था तो इन लोगों ने केक तो ले ही लिया। और अपडेट ये थी कि कल हम लोग अपनी लव स्टोरी का पार्ट 1 अपलोड करने जा रहे हैं, तो बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, ठीक है? और बस यही अपडेट देनी थी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।